हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। आज हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं जो कि सारे कीपैड मोबाइल से रिलेटेड है। हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जब हम मोबाइल रिपेयर करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम हमको आती है कि जो कीपैड होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं और ये मार्केट में नए भी नहीं मिलते। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इनको लगाते हैं इनका गम भी आउट हो जाता है और ये बराबर स्टिक भी नहीं होते, और उस वजह से कीपैड अलग अलग दिशा में चलते हैं। जैसे कि दो नंबर अगर डायल किया तो चार नंबर चलता है, चार नंबर डायल किया तो छः नंबर चलता है इस कंडीशन में। तो दोस्तों, इसका एक इतना ईजी और सरल वे पे हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे जो आप रिपेयरिंग में यूज़ में ले सकते हैं और हर कोई इसको यूज़ में ले सकता है जो थोड़ी बहुत भी जानकारी मोबाइल की रखता है। तो दोस्तों देखिए, ये मोबाइल है नोकिया का। तो दोस्तों देखिए, हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, या तो हम लेमिनेशन ले सकते हैं या फिर हम सेलो टेप ले सकते हैं, और सेलो टेप को इस तरीके से काटना है हमको बटन की साइज़ के हिसाब से, इतना इस तरीके से काटना है। उसके बाद में जो हमारा इसको हटा लेना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से हमको हटाना है। इस तरीके से दोस्तों हटा लेना। उसके बाद दोस्तों हमको ये जो इसकी पुराना जो कीपैड है जो ख़राब हो चुका है, जो वर्क नहीं कर रहा, उसकी टिकड़ी को निकाल लेना है। और निकालने के बाद में जो मोबाइल के पॉइंट है, उस मोबाइल के पॉइंट पे रखना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, एक 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 हमको निकाल के इस तरीके से लगाते जाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से एक बराबर हमको बिल्कुल सेंटर में रख के, इसके दोनों पॉइंट जो सेंटर में रख के हमको लगाना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इस तरीके से जो पूरी लाइन बनी है, इस तरीके से हम बना सकते हैं नए कीपैड को। तो इसी तरीके, तो देखिए दोस्तों, हमने पूरे कीपैड को लेमिनेशन से चिपका कर इस तरीके से नए कीपैड बना दिए हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। दोस्तों देखिए, हमने कीपैड लगा दिया, हमें उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद में ये देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, सारे कीपैड बराबर से वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने कीपैड का सॉल्यूशन कर सकते हैं इजी तरीके से। हमको इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेलो टेप या लेमिनेशन के द्वारा हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको ये करने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ से इसको कटिंग कर लेनी है, कैंची या कटर से, कैसे भी करके, जिससे आपको कंफर्टेबल हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।